प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। आज आपको जन्म कुंडली के छठवें भाव से संबंधित एक बड़ा ही विस्तृत सूत्र बताता हूँ और एक और सूत्र जो शनि को लेकर के होगा इस पे भी चर्चा करेंगे। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। ये छोटा कार्यक्रम है, इस वजह से यूं समाप्त हो जाएगा लेकिन ज्ञान की वृद्धि करने वाला होगा। जैसे मैंने एक कुंडली बनाई है, ये कुंडली आपको कल सुबह मिलेगी, ये फ्री कुंडली में से मैं बता रहा हूँ। ये सिद्धांत है कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के अधिपति, देखिए यहाँ पे मंगल की राशि बनी है और जन्म कुंडली में सिद्धांत यही है कि जब छठवें भाव के अधिपति का संबंध किसी भी अवस्था में मंगल और राहु और केतु से हो जाता है, आपकी कुंडली के षष्ठेश अगर शनि राहु और केतु से संबंध बना लेते हैं तो आपको ये लंबी बीमारी का खतरा दे देते हैं। या फिर दूसरा सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति, देखिए प्रस्तुत कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति शनि बनते हैं और ये शनि जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं दशम भाव में बैठ करके। तो सूत्र क्या कहता है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति अगर केंद्र में बैठ करके लग्न को या चतुर्थ को या तो फिर आपकी कुंडली के सप्तम को या चंद्रमा को देखते हो तो उस व्यक्ति को प्रायः बेड रिडन होना पड़ता है, लंबी बीमारी और लंबी बीमारी का खतरा हो जाता है। आयु के साथ व्यक्ति को अपने निजी कामों के लिए भी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके जीवन के सारे काम किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हुए बढ़ते हैं और उसके जीवन में धन मान पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सब धीरे 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 प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति केंद्र में बैठ करके इन भावों पे दृष्टि डाल रहे हैं या तो चंद्रमा पे जैसे कि मैंने बताया, तो आपको फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर के सहजता पूर्वक नियमबद्ध होकर के जीना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहनी चाहिए। ये दो सिद्धांत जो मैंने कहे रोग को लेकर के प्रायः है। अब ऐसी अवस्था में आपको सदैव ही अष्टमेश के कवच की पूजा करनी चाहिए। जैसे अगर इस प्रस्तुत कुंडली में शनि अष्टमेश बनते हैं तो यहाँ पे शनि कवच का पाठ करना चाहिए, या फिर रोगेश अगर मंगल बनते हैं तो मंगल कवच का पाठ करना चाहिए। आपको कहीं से भी ये उपलब्ध हो जाता है, किसी भी ग्रंथ में आपको मिल जाता है या इंटरनेट पे आपको सामान्यतया मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों को कपिला गाय दान करनी चाहिए और नील कमल भगवान ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए, काला कंबल, काला उड़द और साथ ही साथ मसूर की दाल आदि भी ब्राह्मणों को दान देते रहना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।